अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैर खरियत से होंगे। रियाज हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो मेरे भाई, ये आज मैं आपको बकरियाँ दिखा रहा हूँ। ये बकरी मैं तकरीबन आपको दिखा रहा हूँ जो 40 बकरी का रेवड़ है मेरे भाई। अच्छी और ख़ूबसूरत बकरियाँ हैं सारी माशाल्लाह, छोटे खड़े कान में और ख़ूबसूरत बकरियाँ। चलो इधरा, खूबसूरत बकरियाँ हैं और इनके इस वीडियो में मैं आपको रेट भी बता दूँगा। और लेकिन जो भी भाई लेना चाहता है तो हमारे बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गाजी खान में आ सकता है। माशाल्लाह ये देखें, बड़ा ख़ूबसूरत रेवड़ और अच्छी चीज़ें हैं। और तमाम बकरियां ही बग़ैर सींग के हैं, तकरीबन सिर्फ 4 से 5 बकरियां हैं जो सींग वाली इस पूरे रेवड़ में। और देख लें खूबसूरती इनकी आपके सामने है, बबरी नस्ल में जो हैं वो भी हैं। और माशाल्लाह बकरियाँ सारी ज़बरदस्त हैं। ये देखें पांडा शक्ल में है, और ये देखें अबलग में, और ये देखें बबरी में। हर तरह की बकरियां इसमें लाट में शामिल हैं। लोकेशन मेरी डेरा गाजी खान है, बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गाजी खान का अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर तरीन फार्म है। जो भी भाई आना चाहे तो लोकेशन तो मैंने आपको बता दिया, डेरा गाजी खान आप आ सकते हैं। और अगर आप कार्गो के लिए हमें ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमें कार्गो के लिए भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे भाई, अगर जितना भी बकरियां आपको चाहिए, जिस नस्ल की बकरियां, ये नहीं है कि सिर्फ टेढ़ी, राजनपुरी भी मैं आपको डेली की दिखाता हूं। ये देखिए खूबसूरती बकरियों की, देखें आपको पता चलेगा क्या चीज़ है ये। और किसी भी नस्ल की आपको बकरियां चाहिए तो आप हमारे फार्म पे एक बार ज़रूर विज़िट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं और यहाँ डेरा गाजी खान में ये टेढ़ी बकरियाँ सबसे ज़्यादा मेरे पास और मशहूर तरीन है हमारा फार्म, टेढ़ी बकरियों के हवाले से भी और राजनपुरी अबलग के हवाले, मक्खी चीने के हवाले से। और आप आएँ, हर तरह के जानवर ख़रीदें यहाँ से, वो भी मुनासिब रेट पे। इसके अलावा मेरे भाई, अगर आप फार्मिंग का शौक़ रखते हैं तो फार्मिंग के लिए आपको बेस्ट नस्ल यही है कि आप टेढ़ी बकरी से फार्मिंग शुरू करें। ये देखें ये बकरी भी है ये। और जो आपने फार्मिंग करनी है टेढ़ी से, तो उसमें यह है कि आपको किसी किस्म का कोई लॉस नहीं आएगा, क्योंकि ये एक तो बढ़ती ज़्यादा हैं, एक तो ये बढ़ती ज़्यादा हैं, इसके अलावा 3, 2, 3, 4 बच्चे तक भी ये देती है। हर बंदे को पता है जो भी बकरियों का शौकीन है तो उसको पता है 3 से 4 बच्चे देने वाली ये टेढ़ी बकरी यही होती है। इसके अलावा मेरे भाई, अगर इसकी आपने फार्मिंग की है तो ये ग्रोथ ज़्यादा इस वजह से करती है कि 20 से 25 दिन के बाद बच्चा देने के, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर ये क्रॉस हो जाती है दोबारा। और जब ये बच्चे देती है दूसरी बार, जब बच्चे देगी तो पहली बार वाले जो बच्चे हैं ना वो भी क्रॉस होते हैं, दूसरे बार जब ये क्रॉस होती है इसके साथ क्रॉस होते हैं वो। माशाल्लाह ये देखें, हर तरह से घुमा फिरा के भी आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा मेरे भाई, इसकी जो वैक्सीन है, वैक्सीन के बारे में मैं आपको बता दूं, आप दूसरा हफ्ता है यानी कि दूसरा वीक है इस फरवरी का, तो इसमें जो वैक्सीन कराई जाती है बकरियों को वो है फुट एंड माउथ। फुट एंड माउथ आपने वैक्सीन करानी है, अपने पास जो भी जानवर आपने रखे हैं उन जानवरों के लिए आपने जो वैक्सीन करानी है वो है फुट एंड माउथ। और इनकी जो खुराक है, चाहे मेरे पास खड़ी हैं चाहे आपके पास भी खड़ी हैं, उनकी जो खुराक है ना, उनकी खुराक असल ये है, फरवरी में आप भूसा तूड़ी दे सकते हैं, भूसा भी गंदम वाला, गंदम वाला भूसा इनको दे सकते हैं आप, वो जो कोई तूड़ी कहते हैं कुछ लोग, भूसा भी कहते हैं गंदम वाला, वो पानी में गीला करके थोड़ा सा पानी से, तो उसके अंदर चोकर मिक्स करें। चोकर मिक्स करने के बाद आप जो है ना इसमें थोड़ी सी गंदम का दलिया या गंदम खुश्क भी मिक्स कर सकते हैं इनकी सेहत के लिए। ये है सर्दी की, फरवरी की खुराक। और दिन को हरे पट्टे वो भी डाल सकते हैं आप, जितना खाएं बकरियां वो भी अपनी मर्ज़ी से खिला सकते हो। मेरे भाई, मैंने आपको पूरी पूरी एक वजाहत बताता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी दोस्त इन्फॉर्मेशन लेते हैं मुझसे कि रियाज भाई हमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन दें बकरियों के हवाले से। तो इसके अलावा जो बकरी का जो फार्म है ना, वो आपको फ़ायदा इसलिए देता है मेरे भाई, क्योंकि कुछ कारोबार होते हैं पढ़े लिखे कर सकते हैं, कुछ कारोबार होते हैं हर बंदा कर सकता है, कुछ बंद होते हैं सिर्फ अनपढ़ी करते हैं। इसके अलावा ये है मेरे भाई, जो बकरियां आप रखेंगे उसको जब सेल करेंगे तो आपको ये पता चलेगा मेरे भाई कि जैसे जितना भी बकरियां आप रखेंगे तो वो जब सेल होंगी, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो बराबर में ही सेल करता है सबकी, यानी कि बकरियाँ जिसके पास भी हों तो रेट बराबर ही होता है।
इस वजह से पढ़े लिखे और अनपढ़ जो भी बंदा बकरियों का बिजनेस करता है, बकरियों की फार्मिंग करता है, तो सबको बराबर ही नफ़ा आता है इसका। एक वजह से वीडियो बना देता हूँ आपके लिए मेरे भाई, सिर्फ आप दोस्तों के लिए, अपने व्यूअर अपने कस्टमर के लिए बनाता हूँ। और जो ये बकरियाँ हैं इसमें कुछ क्रास हो रही हैं, कुछ गबन हैं, तो कुछ क्रास हो चुकी हैं ये बकरियाँ, कुछ हो रही हैं अभी। इनका किसी का पहला सुआ है और किसी का दूसरा सुआ है, हैं सारी यंग बकरियाँ, मुँह से दो दांत, चार दांत, छः दांत, ये इनकी जो है ना उम्र एज यही है, मुँह से दो दांत और चार दांत, ठीक है दोस्त। और इसके अलावा अगर आप हमसे राजनपुरी बकरियाँ मंगवाना, और तो बोलाओ यार, इसके अलावा आप हमसे अगर राजनपुरी बकरियाँ मंगवाना चाहते हैं तो राजनपुरी बकरियाँ भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा राजनपुरियों के हवाले से, इसके बाद अगर आपको मक्खी चीनी चाहिए वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। मक्खी चीनी के अलावा अगर बीतल, टेडी, जो भी आपको चाहिए आप हमारे फार्म पे ज़रूर विज़िट करो। और ये बकरी जब आपको जो रेट बता रहा हूँ ना, तो जब ये बच्चे देती है तो उससे रेट दोगुना यानी कि दोगुना हो जाता है, क्योंकि तीन बच्चे होते हैं, दो तीन बच्चे भी होते हैं उनका भी साथ शामिल हो जाता है रेट, तो फिर इसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बचत भी इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है मेरे भाई। ये ना जो मैंने आपको बकरियाँ दिखाई हैं, इनकी जो मैंने उम्र बताई है, किसी की जो है ना दो साल उम्र है, किसी की दो साल से कम है, किसी की एक साल से ऊपर यानी कि 12-14 महीने उम्र है इनकी। यार अगर चला यार और देख ले माशाल्लाह, ये देखें हर बकरी एक दूसरे से अच्छी है, फार्मिंग के लिए माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और इनकी जो दूध की मकदार होती है वो आधा लीटर, तीन पाव, कुछ बकरियाँ लीटर लीटर तक भी देती हैं। बकरी टेडी का इतना ही दूध होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा दूध है इस बकरी का, दो तीन किलो, इतना, तो वो सब गलत कहते हैं। बकरी टेडी का दूध इतना ही होता है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, आधा लीटर भी होता है, लीटर भी होता है, वो भी बड़ी मुश्किल से, वरना तीन पाव लीटर बड़ी मुश्किल है, आधा लीटर तीन पाव कन्फर्मिंग होती है। तो आप इनकी दूध की भी चुवाई कर सकते हैं, आपके पास 50 बकरी है तो मिसाल के तौर पर कम से कम 25 लीटर तो दूध इंशाल्लाह बन जाता है, आधा किलो भी, आधा लीटर भी आप अगर इनकी चुवाई करें तो 50 बकरी का 25 लीटर बन जाता है दूध, माशाल्लाह। ये देखें चीज़ मैंने आपको बड़ी तसल्ली से दिखाई है, और आपको इनकी जो रेट है ना वो आपको मैं आपके सामने बता देता हूँ। देखें कुछ बकरियाँ अभी क्रास हो रही हैं, बकरियों के ऊपर बकरियाँ चढ़ रही हैं ना, वो क्रास हो रही हैं, ये देखें। और टोर यार आगे खड़ा ना, माशाल्लाह। ये भैया मैं आपको रेट बता देता हूँ, इनका जो रेट है ना फाइनल आपके लिए लगेगा 17,000 रुपये। बकरी सारी बड़ी है, रेट मेरे फाइनल होते हैं। अगर इनमें चुन के लेंगे तो इसमें 20 वाली भी खड़ी हैं और इसमें 15 वाली भी खड़ी हैं। चुन के लेंगे तो आपको 20 का ही लगेगा, 18 का ही लगेगा, लाट के हिसाब से लेंगे तो आपको 17,000 रुपये रेट लगेगा, ठीक है मेरे भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको मैंने वीडियो ये दिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह।